अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बजट रेंज पीसी को। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज मैं जो परचेजिंग करके लेकर आया हूं वो टोटली एक्सपेंसिव है। कोरोना की वजह से मार्केट जितनी भी थी कंप्यूटर मार्केट, कोरोना की वजह से एक्सपेंसिव है इस टाइम। और कोरोना से पहले जो मुझे इन सब चीज़ों का रेट मिलना था वो इस टाइम डबल मिल रहा है। तो मैं आपको वन बाय वन अनबॉक्स भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, और इनका रेट भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मदरबोर्ड, सप्लाई और केसिंग वगैरह का मैं सब अनबॉक्सिंग भी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, और असेंबलिंग भी करूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, पीसी में। और इसमें मैं अभी जो ग्राफिक कार्ड है वो मैं नहीं लेकर आया हूँ, फिर भी मुझे 60,100 रुपये के चीज़ें ये मिली हैं। इनमें सब चीज़ें न्यू हैं, ठीक है, एक हार्ड ड्राइव को छोड़ के। हार्ड ड्राइव मैंने सेकेंड हैंड परचेज की है, 500 GB, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा और फिर असेंबलिंग करेंगे। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो अगर तो आपने जो हार्ड ड्राइव लेनी है, ठीक है, वैसे तो SSD सैमसंग की अच्छी होती है, ठीक है, ये बजट रेंज में है ये, लेकिन आपने अगर लेनी है, ठीक है, तो वेस्टर्न डिजिटल की लेना, WD की हार्ड ड्राइव लेना ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर जो होती है वो गेमिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, और अच्छी परफॉर्मेंस देती है हार्ड ड्राइव। तो ये मुझे मिली है 1800 रुपये की, मिली थी 1800 रुपये की ये मुझे मिली है हार्ड ड्राइव, तो ये सेकेंड हैंड मिली है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैंने जो प्रोसेसर परचेज़ किया है वो राइजन लिया है, ठीक है, AMD का 2600 मॉडल है इसका। और इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मोबाइल फोकस कर लेता, ठीक है, ये देखें यहाँ पर AMD है, ठीक है, राइजन 5 2600, ये प्रोसेसर मुझे मिला है 2700 और 500 का मिला, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा रेट इसका, जो बिल में मुझे मिला था वो मैं आपको स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। ओके दोस्तों, तो ये फ़ैन मुझे मिला है, ठीक है, और इसका रेट और जो प्रोसेसर का रेट है वो इन दोनों को मिला के मिला है, ठीक है। 8GB फ़ैन है ये, जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगता है, ठीक है, ये फ़ैन कूलिंग के लिए होता है ये। तो इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, और इसका भी रेट जो प्रोसेसर का रेट है वो सेम है, ठीक है, ये दोनों साथ मुझे मिले हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह का ये फ़ैन है, और मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़ैन है, और ये हीट सिंक वगैरह लगी हुई है इसकी, अभी ये मैंने रिमूव नहीं की है, ठीक है, अभी हम रिमूव करेंगे साथ में। और इसके साथ में जो मिल रहा है हमें ये स्टैंड मिल रहा है, इसको जो हम प्रोसेसर के साथ लगाएंगे बोर्ड में और फिक्स करने के लिए, और कुछ स्क्रू वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ इंस्ट्रक्शंस गाइड है इनकी। ये फ़ैन की, ठीक है, तो बस इतना ही, इंस्टॉलेशन जो गाइड होती है वो है। ओके दोस्तों, तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन है, ठीक है, जो कि केस है उसके पीछे लगेगा, जो कि जो एग्जॉस्ट का काम करेगा, ठीक है, जो अंदर की हीट होगी उसको ये बाहर निकालेगा। तो ये भी 8GB तो नहीं है, ये 1 कलर है। ओके दोस्तों, तो अभी अनबॉक्स करेंगे एक थंडर का 500W TGS 500 है इसका मॉडल नंबर, और ये 500W पावर सप्लाई है थंडर की। तो सामने ये ब्लैक कलर का डिज़ाइन है, ठीक है, पावर सप्लाई का ब्लैक कलर है, और इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लोगो वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने अपना, और कुछ यहाँ पर ये चीज़ें वगैरह बताई हैं कि 2 SATA है और 2 MOLEX, ये जो भी अंदर जो चिप्स वगैरह लगी होती है अंदर, वो वायर वगैरह लगी होती है उसका बताया है। इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का पहले फ़ैन आ रहा है, मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ, और साथ में
साथ में ही केबल अटैचमेंट है, नहीं साथ में ये जो साटा वगैरह की केबल है वो अटैचमेंट है, और यहाँ पर पावर केबल आ जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की है। ये RGB नहीं है, नहीं ये RGB वो नहीं है पावर सप्लाई। ठीक है, ये है नॉर्मल पावर सप्लाई है, 500 वाट है, ये इस तरह की है। ठीक है, ब्लैक कलर में मिल रही है और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमें 6-पिन कन्वर्टर है वो दिखाता हूँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं जो बॉक्स है उसको साइड पे कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो पिन्स वगैरह हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये 6-पिन एक मिल रहा है। ठीक है, और टोटली 8 हो जाते हैं इसमें, ग्राफिक कार्ड के लिए ये होते हैं 6-पिन वगैरह। ठीक है दोस्तों, और ये बाकी जितने भी हैं ये जो जैक वगैरह हैं वो लग जाएंगे मदरबोर्ड में, हार्ड ड्राइव में और सीडी रूम में लग जाएंगे। और ये पावर केबल है जो पावर सप्लाई के साथ आई है। ठीक है, तो मैं इसका क्लिप उतार के दिखाता हूँ आपको। ओके, तो वैसे ये गोल्डन में आते हैं, ये सिल्वर में आ रहा है कलर, तो बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है, केबल ही है, नॉर्मल केबल जो होती है वो है। ओके दोस्तों, तो ये ASUS का बोर्ड प्राइम A320M-E, तो ये सिर्फ राइजन के जो होते हैं AMD प्रोसेसर ये उसको सपोर्ट करता है, और ये 2600 को भी सपोर्ट करता है, और 3600 को भी जो राइजन का प्रोसेसर है उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। फ्रंट पे ये इसका लोगो है और मॉडल नंबर आ रहा है यहाँ पे साइड पे, ये सेम इधर भी है, और इधर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई है ये हर लैंग्वेज में। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, और यहाँ पर मदरबोर्ड का बताया है कि यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोसेसर की जगह AMD की ये जो सॉकेट है वो लगेगी, DDR4 यहाँ पर लगेगी, DDR4 जो मिल रही है यहाँ पर ये 2 स्लॉट मिल रही हैं रैम की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर 3 पॉइंट पोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं सारी। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसका भी रेट आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, तो मैं सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरह का ये ASUS का बोर्ड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रैम स्लॉट वगैरह लगेगी, यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा, और यहाँ पर पावर सप्लाई की जो होंगी ये केबल्स और कन्वर्टर वो लगेंगे, और यहाँ पर एक सेल मिल जाता है, और यहाँ पर 3.0 के पोर्ट्स मिल जाती हैं। ठीक है, USB के, और HDMI मिल जाती है, और यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है, और इंटरनेट और हेडफोन कई स्लॉट्स मिल जाती हैं। तो ये मुझे बोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक तो ASUS का है, ASUS के जितने भी बोर्ड होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अर्से तक चलते भी हैं, और इनका जो मुझे ASUS का ये जो बोर्ड मिला है इसके साथ जितनी भी मैंने अभी जो परचेजिंग आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई है उन सारों की जो वारंटी है वो एक एक साल की मुझे मिली है। ओके दोस्तों, तो इसका तो हमने बाकी चीज़ देखी नहीं खोल के। ठीक है, इसमें हमें क्या मिल रहा है बॉक्स में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसके जो मदरबोर्ड की जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, साथ में लगेंगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह की केबल्स हैं ये मिल रही हैं, तो ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊँगा ये किस जगह पर और कहाँ पर लगेगी केबल। और नेक्स्ट में कुछ स्क्रू मिल रहा है, स्क्रू नहीं मिल रही है, ये केबल जो होती है उसको उसके लिए है ये, आई थिंक ये हम ओपन करेंगे। ठीक है, तब पता चलेगा। ये है SSD के लिए, हाँ ये SSD को ओपन करने के लिए। ठीक है, जब SSD लगाएंगे तो उसको ये ओपन करने के लिए ये क्लिप दिया हुआ है इन्होंने। बाकी नीचे यहाँ पर लगेगा ये जो ये स्लॉट्स वगैरह हैं उसके, ये यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह यूं करके लग जाएगा ये।
ओके दोस्तों, तो मैंने 7 सितंबर को ये मैंने पार्ट्स वगैरह लिए थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे 8 सितंबर को मैंने ग्राफिक कार्ड बाय किया है, वो भी सेकंड हैंड ही बाय किया है, लेकिन ये मैंने बाय किया ओएलएक्स पे। ठीक है, आपके सामने पिक्चर्स भी आ रही होगी, GTX 1060 ये मैंने बाय किया है। ठीक है, तो ये मुझे पड़ गया 22,000 का पड़ गया है, और पैक वगैरह भी है इसकी, मैं आपके सामने पिक्चर्स वगैरह भी आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी टोटली मिला के ना, टोटल मिला के 80-85 के करीब ये जो मेरा जो पीसी मैंने बनाया है ये टोटली बन चुका है, 85,000 के करीब बन चुका है ये पीसी। ओके दोस्तों, तो ये आ गया है हमारा केस पीसी का, और थंडर कंपनी है। ठीक है, इसका केस मैंने लिया है, और इसका जो प्राइस है वो भी आपके स्क्रीन में आ रही होगी। तो चलिए इसको फिर अनबॉक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का अंदर से बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, पीसी का, तो यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगेगा, और इसकी बैक साइड से जो वो हैं क्या कहते हैं केबल्स वगैरह हैं वो आएंगी, और ये जो केबल्स हैं ये RGB के लिए, ठीक है, और फैन वगैरह के लिए इन्होंने दिया हुआ है, और ये जो पॉट्स वगैरह हैं उनके लिए ये केबल्स दी हुई हैं, और साइड पर ये कुछ इस तरह का बैक साइड पर यहाँ पर दिखता है। Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision.
television. I don't buy at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, ये 1060 है GTX Gigabyte कार्ड, सेकेंड हैंड मैंने परचेज किया है अभी। तो इस तरह का कार्ड है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर WD की मैंने 500 GB की हार्ड ड्राइव लगा दी है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं CPU को, और फिर देखते हैं कि इसके अंदर का जो लाइटनिंग वगैरह है वो चेक करते हैं, RGB लाइट्स वगैरह, ठीक है। और डिस्प्ले भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर प्लग कर दी है केबल, ठीक है, सप्लाई के साथ। तो इसको मैं इधर से ऑन करता हूँ यहाँ से। ओके तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो इसके जो फ़ैन है ये भी RGB की है, लाइट के साथ आता है फ़ैन, ठीक है। और जो ये जो है ग्राफिक कार्ड, इस पर भी लाइटनिंग है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ, ठीक है, इसका कैसा सा डिस्प्ले है। ओके तो इस तरह का डिस्प्ले आ रहा है अभी। Asus का बोर्ड लगा हुआ है, और Ryzen 2600 इसकी जो है प्रोसेसर का मॉडल है। स्पीड वगैरह ये सारा कुछ इसमें बता रहा है, ठीक है। ये BIOS वगैरह इसमें दिखा दिया। अभी इसमें मैंने विंडो वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो सिंपली ये इतना है, मतलब कि ये सारा कुछ फ़ैन वगैरह कंट्रोल वगैरह दिखा रहा है BIOS। और आप देख सकते हैं ये दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।